अभी आया। वो पत्थर उठाना। ये लो। स्कूल को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। ये लो, देखा, बिल्कुल भी टूटा नहीं। थैंक यू। एक बात बताओ, वो तुम्हारे साथ एक दुबला पतला सा लड़का रहा करता था ना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मडिला पालम से आया करता था। हाँ, उससे कभी मुलाकात होती है? कहाँ कोई मिलता है, सब अपने कामों में बिजी है। स्कूल की फोटो दिखा रहे हो मुझे? बात करो उससे। हेलो, मैं सेंट अलोइस स्कूल का वॉचमैन बोल रहा हूँ। देवड़ू अंकल, कैसे हो तुम? मैं मुरली, याद आया? हाँ मुरली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अभी भी याद रखा। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था तो राम ने तुम्हें फोन लगा दिया। आपसे बात किए हुए जमाना हो गया। हाँ वो तो है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो भी अच्छी है। और हम कर भी क्या सकते हैं, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। हाँ राम, मुरली तुमसे बात करना चाहता है। बोल। क्यों बे, तू वहाँ कैसे पहुँच गया? कुछ नहीं यार, बस ऐसे आ गया। अरे वहाँ ने मत बना, वैसे स्कूल का क्या हाल है? वैसे ही है, स्कूल बदल गया है अपना? पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला। वही बिल्डिंग है, वही टेबल, वही चेयर, वही खुशखबर। बदमाश ला। सुन, वीडियो कॉल करना। क्यों, नाच के दिखाएगा क्या? अरे एक बार स्कूल तो देखने दे यार। अरे तो फोन पे नहीं, यहाँ पर आके देख, आएगा ना? अपना स्कूल बिल्कुल भी नहीं बदला, यहाँ से निकले 10 साल हो गए है ना। 10 साल हुए, कान के नीचे बजाऊंगा तब सब याद आएगा। हम 2004 बैच के हैं, अभी 2019 है। 19-4 कितना होता है? 15 साल हो गए निकले हुए, यार पता ही नहीं चला। हम सब बूढ़े होते जा रहे हैं। तेरे तो मजे है यार, काम के चक्कर में तू बाहर घूमता रहता है। मैं तो अपने मोहल्ले के बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। वैसे तू हैदराबाद कब आ रहा है? वाइजैग से सीधा हैदराबाद ही आऊंगा, आके मिलता हूँ तुझसे। देख ज्यादा फेंक मत, तेरी बात का कोई भरोसा नहीं। वैसे तू अचानक से वाइजैग कैसे पहुंच गया? मिलने पर बताता हूँ, पहले काम कर, स्कूल के सारे पुराने दोस्तों के नंबर भेज, बात करनी उनसे। ए, तुझे पता भी है कितने हैं? बड़ा है उनसे बात करने वाला। तो क्या हुआ? वैसे किसी के पास मिलने का टाइम नहीं है, लेकिन फालतू का टाइम पास के लिए है। हम सब ने मिलकर फोकट का स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। बता एडमिन कौन होगा? और कौन होगा, तू ही तो होगा। स्कूल से जानता हूँ तुझे, अपनी लाल करने का कोई चांस नहीं छोड़ता है तू। तू मेरी कभी तारीफ कर दे, ये कभी हो ही नहीं सकता है। मैं तुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, तैयार रहना। वेलकम बैक टू स्कूल मिस्टर के रामचंद्रा। मे आई कम इन प्लीज? ऑलवेज लेट कमर। हाय फ्रेंड्स। हाय, वेलकम। आइए जनाब, फोटोग्राफर जी। हाय। एंटर द ड्रैगन। अरे वाह, नमस्कार मिस्टर राम। हाय राम। ओए मोटे, कहाँ थे इतने दिनों तक?
कुछ भी हो जाए हीरो हीरो ही रहता है और कॉमेडियन कॉमेडियन ही रहता है। मेरा तो इस तरह कभी किसी ने ग्रुप में स्वागत ही नहीं किया। तू तो किसी सोशल मीडिया पे भी नहीं है, तू कहां से अचानक इस ग्रुप में टपक पड़ा? आज सुबह स्कूल गया था यार, वहां प्लेग्राउंड क्लासरूम सब कुछ देखा, वो देखकर तुम सबकी याद आ गई। हो सके तो एक बार सबसे मिलना चाहूंगा। अरे राम, हम भी तुझसे मिलना चाहते हैं यार। अरे तो देरी किस बात की, चलो मिलते। राम ने कहा है कि हम सबको मिलना चाहिए। ऐसा है तो अपनी शक्ल तो दिखा, कैसे दिखता है तू? हे राम, तू अपना लेटेस्ट फोटो भेजना, बहुत साल हुए देखकर। Looking handsome man, तू बहुत बदल गया यार। ये बूढ़ा होता जा रहा है, इसलिए हमसे मिलना चाहता है, क्यों है ना? Admin is typing. जरूर कोई important message होगा। Waiting. सुनो, हमें हमारा स्कूल छोड़े हुए 15 साल हो गए हैं। अगर हम 2004 बैच के स्टूडेंट का रीयूनियन करवाएं तो कैसा रहेगा? इसी बहाने हम एक दूसरे से मिल भी लेंगे। I vote yes. धांसू आइडिया है, कब मिलना है? इसे कहते हैं क्लास लीडर। सुपर। अरे कुछ बचा के रखो मिलने के लिए। हे मुरली, तेरा दिमाग कब से काम करने लगा, कमाल कर दिया। अभी हम सारे ऑनलाइन हैं, तो जगह फिक्स कर लेते हैं। वाइजैक? तो वाइजैक में मिलते हैं, समंदर में डुबकी लगाते हैं, मजा आएगा। कुछ गिने चुने लोग ही वाइजैक में रह रहे हैं, काफी सारे लोग तो हैदराबाद शिफ्ट हो गए और बाकी बचे हुए यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो हैदराबाद फिक्स है ना? ओके ओके, झकास, सुपर। हैदराबाद करेक्ट प्लेस, इंटरनेशनल फ्रेंड्स के लिए ये भी सही है। ठीक है, तो कब मिले? प्लीज डेट फिक्स करो, वरना सब लोग ना बहाने बनाने लगेंगे, कोई कहेगा मैं यहाँ हूँ, कोई कहेगा मैं वहाँ हूँ। ठीक है, वीकेंड में ही मिलते हैं। आज क्या डेट है? 4 जनवरी। ठीक है, आज से पूरे 2 महीने बाद यानी कि 4 मार्च को हमारा हैदराबाद में रीयूनियन होगा, सबको आना होगा। मैं जल्द ही जगह फिक्स करके अपडेट करता हूँ। मैं तैयार हूँ, डबल ओके। जो नहीं आएगा उसे जुलाब लगेगी, ये मेरा श्राप है। इतने दुखी क्यों है यार, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स राम, तेरी वजह से हम सब मिल रहे हैं। आप वही ना, ये रामचंद्र अमर रहे। हे भगवान, ये किसी के मरने के बाद बोलते हैं। कोई प्लीज मेरी बीवी को समझाओ, मुझे वो आने नहीं देगी। क्या मैं बच्चों को ला सकती हूँ, उन्हें छोड़कर आना मुश्किल होगा। प्लीज कम एज फैमिली। इस ग्रुप के बनने के बाद इतने सालों में बस यही एक काम सबसे अच्छा हुआ है। Hi friends, she is my wife, Shakuntala, and he is my son, Vinny. अरे, ये तो श्रीनु है। तुझे कहा था ना मंदिर से लेफ्ट लेके फिर सेकंड राइट लेना है, तुझे लेफ्ट लेने को किसने कहा? आप मंदिर से यू टर्न लेके आ, वहीं से मुझे रास्ता पता है। हाँ जल्दी आ। हाँ बोलो, जाओ। हाँ सुनो, तुम मंदिर आ जाना। वो अभी तक आया क्यों नहीं? उस पर भरोसा करके खाना भी ज्यादा ऑर्डर कर दिया। मैंने उसे 3 बार कॉल किया, उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे अगली बार कॉल किया तो वो मेरी पिटाई कर देगा। मुझे अपने हाथ पैर नहीं तोड़वाने, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। वैसे ये गुलाब जामुन है ना? हाँ, झंडूबा में खाएगा। अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोल दो, ऐसे ही लिखी थी। मस्का क्यों मर रहा है? तेरी बहन बहुत गुस्से में है, उससे बात कर ले। उधर देख। ओ। हाँ मैं अभी आया। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों भाई? क्यों? कोई मुझसे मिलने आने वाला था ना, पर धोखा दे दिया। मिलेगा ना तो जान से मार डालूंगी। हे कैसी हो? तुम्हारा मामा आया। लड़की क्यों?
अगर लड़का हुआ तो उससे बात नहीं करोगे? देखो, मुझे इस बार भतीजी ही चाहिए, समझी? तो भतीजी होगी। मैंने अम्बुजा नाम भी सोच लिया, तो वही पैदा होगी, है ना स्वीटी? ठीक है ठीक है, चलो बहुत हो चुका, मुंह मीठा करो। हाय सतीश, कैसे हो तुम? अब जब तुम्हारी शादी और बच्चे हो गए तब तुम मुझसे बात कर रही हो? पहले तो मुझे देखकर ऐसे भागती थी मानो जैसे कोई मैं राक्षस हूँ। और मेरे उस लव लेटर का क्या हुआ? ओह सर, डोंट वरी सर, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, दिल से कहता हूँ, हेल्पिंग नेचर की है। एग्जाम टाइम में वो हम सब की कॉपी करने में मदद करती थी। एक बात बता, तुझे पता है शिव कहाँ है? नहीं। पेरिस में। क्या कहा? उसने मुझे नहीं बताया। उसने मना किया था। ये कैसे फोटो है? सारे फोटो काले काले हैं, इसमें कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा है, और खुद को बड़ा फोटोग्राफर कहता घूमता है। ए, सब लोग आ गए हैं ना, तो मैं खाना लगाने के लिए कह देती हूँ। अभी चार आने बाकी है, मैंने तीन को एड्रेस भेज दिया है। ये चौथा कौन है? ये चुप क्यों हो गया? कौन है? अरे ये इशारे क्यों कर रहा है, बताना। इतनी बार पूछ रही हूँ, बता क्यों नहीं रहे हो? कौन है? जानू।